हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, इट इज 10 मीटर डीप, फाइंड। फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है इनर कर्ड सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट में द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्ड सरफेस एट द रेट ऑफ रुपीज 40 पर मीटर स्क्वायर। तो चलिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, ये है आपका सर्कुलर वेल यानी कि गोल कुआ, और यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी आपको दी गई है। इनर रेडियस का वैल्यू गिवन है आपको, तो चलिए यहां पर हम लिख लेते हैं इनर रेडियस ऑफ वेल, या फिर आप लिख सकते हैं सर्कुलर वेल इज इक्वल टू 1.75 मीटर। ओके, इसके बाद आपको डेप्थ ऑफ सर्कुलर वेल भी गिवन है यानी कि हाइट आपको गिवन है, तो आप यहां पर लिख लेंगे डेप्थ ऑफ, या फिर आप हाइट लिख लेंगे ऑफ सर्कुलर वेल इज इक्वल टू 10 मीटर। तो बच्चों, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट जिसमें आपसे पूछा है इनर कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना है। देखिए, इनर का क्या मतलब है, अब यहां पर आपका गोल कुआ है तो बाहर तो कुछ होगा नहीं, तो दैट मीन्स अंदर का जो इनर सरफेस एरिया है, ये वाला जो आपका एरिया है, इसका आपको वैल्यू फाइंड करना है। अब बच्चों, मेरी बात को ध्यान से समझना। देखिए, आपसे पूछा है इनर कर्व सरफेस एरिया, तो आपको जो टॉप है और बेस है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ निकालना है इनर कर्व सरफेस एरिया। और आपको कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए, 2πRh। तो चलिए, अब वैल्यूज को यहां पर सिंपली पुट कर लेते हैं। 22/7, आर का वैल्यू आप देखिए 1.75, एच का वैल्यू आप रखेंगे 10 मीटर। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सर्कुलर वेल। अब सॉल्व कर लेते हैं सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ रुपीज 40 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि जो अंदर का आपका एरिया है इसको प्लास्टर करना है यानी सीमेंट करना है। तो बच्चों, सिंपली आपसे पूछा गया है जो अंदर का आपका इनर कर्व सरफेस एरिया है, इसको सीमेंट करने का या फिर प्लास्टर करने का जो टोटल कॉस्ट निकल के आएगा वो आपको फाइंड करना है। और यहां पर आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू ₹40। अगर हम इतने एरिया में प्लास्टरिंग करते हैं तो उसका कॉस्ट होता है ₹40। अब आपको निकालना है कि जो आपका इनर कर्व सरफेस एरिया टोटल निकल के आया है यानी कि 110 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों, सिंपली आपको ये जो आपने कर्व सरफेस एरिया फाइंड किया है, आप 40 से इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका निकल के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 110 मीटर स्क्वायर एरिया। तो चलिए, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 110 मीटर स्क्वायर एरिया, यू विल गेट, आप देखिए यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 110 इंटू 40, देन यू विल गेट रुपीज 4400। ओके, तो बच्चों फाइनली आपकी निकल के आ चुकी है टोटल कॉस्ट, जो अंदर का आपका कर्व सरफेस एरिया है इसको प्लास्टर करने का टोटल कॉस्ट कितना होगा, 4400 रुपीज। तो चलिए बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड कर लें, मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर समझा दूंगा। एक बार इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लें और उसके बाद इस वीडियो को अच्छे से कंटिन्यू करें। तो चलिए बच्चों, अब समझ लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है। एक स्कूल है, उसमें बोला गया है कुछ बच्चों को कि आपको एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है, और बच्चों को कॉम्पिटिशन क्या है, उस कंपटीशन के अंदर बनाना है डेकोरेटिंग पेन होल्डर, यानी कि एक ऐसा होल्डर जिसमें पेन्स को इजीली यहां पर हम रख सकते हैं, जैसा कि आप यहां पर
देख सकते हैं। और बच्चों इस पेन होल्डर की जो शेप है वो कैसी होनी चाहिए, सिलेंडर जैसी होनी चाहिए जिसका एक बेस हो, ओके। और इसको बनाना है कार्डबोर्ड की मदद से। और बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर आपको पेन होल्डर की रेडियस भी गिवन है, तो आप यहां पर लिख लेंगे रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ओके। हाइट भी आपको गिवन है, कितना हाइट होना चाहिए, 10.5 सेंटीमीटर। और बच्चों साथ में ये भी बोला गया है जो कार्डबोर्ड है वो आपको स्कूल की तरफ से ही मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितने हैं, 35। तो बच्चों आपसे ये पूछा है इन सभी पेन होल्डर्स को बनाने में एरिया वाइज कितने कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों मेरी बात को आप यहाँ पर ध्यान से समझे, ये है आपका नॉर्मल सिलेंडर और ये है वो सिलेंडर जो आपका पेन होल्डर है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका पेन होल्डर है, यहाँ पर जो ऊपर का आपका सर्कल है, ओके, जो आपका टॉप है वो आपका नहीं होता। देखिए यहाँ पर आप पेंसिल रखते हैं तो ये आपका नहीं होगा, तो इसका जो एरिया होगा वो भी आप नहीं लेंगे। दैट मीन्स ऊपर का जो एरिया होता है टॉप का पाई आर स्क्वायर वो आप नहीं लेंगे, और जो आपका बेस होता है ये आपको लेना पड़ेगा, ओके। तो आपको ये जो नीचे वाला एरिया है वो आप लेंगे पाई आर स्क्वायर, और जो आपका कार्ड सरफेस एरिया होगा दैट मीन्स पाई आर 2πRH ये आपको लेना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहले आप निकाल लेंगे सरफेस एरिया ऑफ वन पेन होल्डर, यानी कि जो आपका ये सिंगल पेन होल्डर है इसका सरफेस एरिया आप निकाल लेंगे। उसके बाद आप निकालेंगे टोटल 35 का। आप यहां पर लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ वन पेन होल्डर इज इक्वल टू, देखिए ये आपका क्या होगा, कार्ड सरफेस एरिया और नीचे वाला बेस एरिया, तो इन दोनों को आप ऐड कर देंगे। तो कार्ड सरफेस एरिया कितना होगा आपका, 2πRH प्लस बेस एरिया दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर, ओके। इसके बाद सिंपली आप वैल्यूज को पुट कर देंगे और आपका एरिया निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। 22/7, आर का वैल्यू देखिए आपके पास है 3 सेंटीमीटर, एच का वैल्यू है 10.5 सेंटीमीटर, ओके। इसके बाद आप यहाँ पर पाई का वैल्यू रख लेंगे 22/7, आर का वैल्यू 3^2। तो बच्चों इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 1584/7 cm². तो बच्चों ये निकल के आ चुका है आपके पास सरफेस एरिया ऑफ सिंगल पेन होल्डर। अब आप निकाल लेंगे 35 का, तो 35 से आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे एरिया ऑफ, यहाँ पर लिख लेंगे आप एरिया ऑफ कार्डबोर्ड शीट यूज्ड बाय 35 कॉम्पिटिटर्स, ओके। तो आप यहाँ पर निकाल लेंगे 1584/7 मल्टीप्लाइड बाय 35 एंड यू विल गेट 7920 cm². तो बच्चों ये आपका टोटल एरिया है जिसका आपको कार्डबोर्ड शीट बनाना है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम।